ओह माय गॉड फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितना एम्पियर इसके अंदर है। ये 10 एम्पियर का डीसी पावर सप्लाई फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे स्पार्क हो रहा है इसमें। तो चलिए यार, इसका रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल मिस मत करिए। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला वीडियो हिंदी में बना रहा हूं मैं ओवेन का डीसी मशीन, जो कि 30 वोल्ट और 10 एम्पियर। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जैसा कि फ्रेंड्स, हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं, ऐसे ही फ्रेंड्स आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक डीसी मशीन जो कि 10 एम्पियर और 30 वोल्ट का डीसी मशीन है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक जो डीसी मशीन हम यूज करते थे वो 30 वोल्ट और 5 एम्पीयर का हुआ करता था, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स अभी के जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हमको ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अभी मार्केट में आ चुका है 30 वोल्ट और 10 एम्पियर का डीसी मशीन। तो चलिए आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है, इसका रेस्पॉन्स कैसा है, इसको कैसे सेट करना है। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको कि इसको सेटिंग कैसे करना है, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और ये जो मैंने डीसी मंगाई है रामराज टूल, जो के एमपी में है, अगर आपको चाहिए तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हैं, इनका वेबसाइट भी है, अगर आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक हमको वायर मिला है जो कि इसके ऊपर प्लग करना होगा, प्लग एंड प्ले। और इसके अंदर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डीसी मशीन, और इसमें हमको जो मिलेगा एक इस तरह का प्रिंटर केबल मिलेगा, और एक इसमें हमको मैनुअल मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह, इसको हम फ्यूज बोलते हैं, ये फ्यूज अगर उड़ जाए तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा क्योंकि ओवर वोल्ट आ जाएगा, 250 वोल्ट और 3 एम्पियर का ये बता रहा है, इससे ज़्यादा अगर इसको मिलता है तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एक यूज़र मैनुअल है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा मेनू आपको मिलेगा, इसमें क्या क्या है सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है। और इसको ओपन करते हैं और ये सारी चीज़ तो हमारी काम की है नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो सारी डिटेल है कि किसमें क्या है, वोल्टेज ओवीपी वगैरह सारा यहाँ पे इसका ऑप्शंस रखे गए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ के इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये बैक साइड का इसका, तो चलिए इसको बाजू रख देते हैं, इसको भी बाजू रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ओवन का है डीसी सप्लायर, यहाँ पे इसका मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं 30 वोल्ट और 10 एम्पियर। बट इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप 20 वोल्ट से, अगर आप इसको 20 वोल्ट से ज़्यादा अगर पे आप रखते हैं तो ये 6 एम्पियर ही देगा, क्योंकि वैसे हमारे मोबाइल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं 4 वोल्ट और 5 एम्पियर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लेटेस्ट हैंडसेट में फ्रेंड्स, मैंने ऐसे भी देखे हैं, ये नया अपडेट भी है आप लोगों के लिए जिसमें आपको 6 वोल्ट लगाना पड़ेगा और 9 एम्पियर के साथ आपको सेट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आगे पढ़ सकता है, इस वाले डीसी मशीन की जरूरत पड़ सकती है तो ये डीसी मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, जो कि 10 एम्पियर और 30 वोल्ट, 10 एम्पियर और 30 वोल्ट का ये डीसी मशीन है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ओवन का है, हो सकता है और भी कोई क्वालिटी इसमें आ जाए और भी अलग ब्रांड वाले इसको बनाएं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे प्लग एंड प्ले कर लेते हैं और इसको ओपन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो इसका केबल है, इसको इंसर्ट यहाँ पे करना होगा आपको, ये पावर केबल है, अच्छी तरह से इंसर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है इसको, और यहाँ पे इसके लिए कूलिंग के लिए एक फैन दिया गया है जैसा आप देख सकते हैं। और फ्यूज जो है आपको इसके नीचे लगाना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है, फ्यूज के लिए यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। तो चलिए और देखते हैं, इस तरफ प्रिंटर केबल एक है, और अगर साइड में बात करें तो यहाँ पे कुछ एयर के लिए, कूलिंग के लिए, यहाँ पे एयर पास होने के लिए इस तरह से रखा गया है। तो चलिए गाइस, एक बार इसको पूरा खोलते हैं और खोल के इसके अंदर देखते हैं क्या है, किस तरह का इसमें इन्होंने मटेरियल यूज किए हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे चार तरफ चार इस तरह के स्क्रू है जो आपको खोलने होंगे,
और बैक साइड में भी चार स्क्रू मिलेंगे क्योंकि यहाँ से निकलेगा नहीं। तो इस साइड में अपन आते हैं, यहाँ से भी ओपन करते हैं। इसको खोलने के लिए आपको इस तरह का स्टार का स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो देखते हैं, अभी तक मार्केट में ज़्यादातर अभी यही वाला दिख रहा है मार्केट में 10 एम्पियर के साथ। ज़्यादा डीसी मशीन इसमें अभी मार्केट में नहीं आए हैं अभी तक ब्रांड के। अगर कोई और ब्रांड का आएगा तो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से चारों स्क्रू हमने निकाल लिए हैं, टोटल 8 स्क्रू। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह को बाजू रख देता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट बोर्ड इस तरफ सामने की तरफ दिया गया है इसका। और क्योंकि ये सामने डिस्प्ले है इसका, उसका सर्किट बोर्ड बिल्कुल पीछे ही है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैपेसिटर्स और कॉइल लग के हैं यहाँ पे। तो हालांकि ज़्यादा वेट नहीं है इसका, बहुत लाइट वेट है। जैसे हमारी कोराड वगैरह की डीसी मशीन होती है, यहाँ पर इसका एक फ़ैन रखा गया है जो कि मिली 12 वोल्ट और 40 मिली एम्पियर से चलता है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टर्स है और इसमें बाकी कुछ है नहीं, बस स्विचेस है, बस सर्किट को रखा गया है। और डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पता। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें और वेट भी ज़्यादा नहीं है। तो यही चीज़ है इसमें, कॉइल जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको वापस से देख सकते हैं, सिंगल पीसीबी इसमें रखा गया है, सारी चीज़ इसमें यहाँ पे है। तो इसको आपको फिट करने के लिए वापस से सेम ऐसे ही फिट कर देना होगा, देख सकते हैं। सामने के साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे इतने सारे स्विचेस हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं और ऑन करके चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पे मैं पहले प्लग लगा लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है, जहाँ पे इस साइड में हमको ये एम्पियर शो करेगा। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज है, जो कि कितना वोल्टेज आप रख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, पहला वाला जो स्विच है इसका वोल्टेज के लिए है। यहाँ पे मैंने 4 वोल्टेज सेट किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, 20, 30 वोल्ट तक, 31 वोल्ट तक यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हमको मोबाइल में उतना नहीं चाहिए, हमको 4 वोल्ट ही अभी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 वोल्ट ही रख देता हूँ। अगर कोई लेटेस्ट हैंडसेट आता है तो हम 6 वोल्ट या 5 वोल्ट पे भी हम ये इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिख के है, यहाँ पे आई है। आई का मतलब होता है करंट, ए से एम्पियर हम जिसको बोलते हैं। तो एम्पियर के लिए आप यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू हो गया, ऐसे आप एम्पियर बढ़ा सकते हैं, 10 एम्पियर तक आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको देख सकते हैं 5 पे सेट कर देता हूं और ये 5 पे हमारा सेट हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे एक ओवीपी का बटन है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज पे आपको रखना है, यहाँ पे आप सेट करके रख सकते हैं। एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आप बोल सकते हैं, मैं इसको 5 पे ही रख देता हूँ ताकि ये 5 पे सेट रहें। और यहाँ पे एम्पियर के लिए भी दिया गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले अगर आपको करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले का स्विच दिया गया है, जिससे आप डायरेक्ट ऊपर 5 वोल्ट और एम्पियर यहाँ पे सेट कर दिए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें मेमोरी का ऑप्शन है, जैसे हमारे कोराड की डीसी में इस तरह के मेमोरीज के ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे 1.8, 2.8 या फिर आपको जितना भी यहाँ पे चाहिए आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर पे हमने 4 वोल्ट सेट कर दिए, 2 पे हम 2.8 कर दिए, 3 पे यहाँ पे 1.8। तो इस तरह से आप जो मेमोरीज होते हैं, यही मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। नीचे मेमोरी आप देख सकते हैं, मेमोरी लिख के है इसमें। तो मेमोरी का ऑप्शन है, जैसे मैं ये प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज सेट करना है मेमोरी 1 में, तो यहाँ पे 4 वोल्ट है,
तो 4 वोल्ट में ही रखते हैं। और मेमोरी 2 में अगर आपको आना है तो यहाँ पे नीचे जाना होगा आपको, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले स्विच से आप ऊपर नीचे किस पे जाना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे ऊपर करने का ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट मेमोरी 2 में यहाँ सेलेक्ट, मेमोरी 3 में यहाँ पे, मेमोरी 4 यहाँ पे, तो 4 मेमोरी के ऑप्शन है। तो अगर मेमोरी 2 को मुझे सेट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा वोल्टेज पे, और यहाँ पे मैं वोल्टेज कम कर दूंगा। देखिए जैसा कि 5 वोल्ट पे मैं रखना चाह रहा हूँ, और एम्पियर में जो रखना चाह रहा हूँ 2 एम्पियर, तो मैंने यहाँ पे मेमोरी 2 भी यहाँ पे सेट कर लिया है। इसके बाद अगर बात करें मेमोरी 3 में आते हैं, मेमोरी 3 में अगर आपको यहाँ पे 1.8 रखना है तो वोल्टेज का दबाएंगे, और 1.8 पे रखना है तो हम यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे मैंने 1 रख लिया है, और 1.8 करना है मुझे तो मैं यहाँ से 1.08 कर देता हूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं ये 1.8 मैंने सेट कर दिया है, और एम्पियर मेरा जो है अभी तक 2 एम्पियर यहाँ पे है। तो नीचे आप देख सकते हैं 3 नंबर पे अगर बात करें तो 3 नंबर पे आ जाते हैं, 4 नंबर लास्ट, यहाँ पे भी 15 वोल्ट सेट है। अगर चाहे तो आप इसको यहाँ से मेमोरी में जाना है, सॉरी वोल्टेज में जाना है, ऐसे रखो, वोल्टेज में जाएंगे, वोल्टेज कम करना है तो चलिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट रख लेता हूँ और 2 एम्पियर ऑलरेडी सेट है, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप चाहे तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए ये आउटपुट इसको देने के लिए यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऑन ऑफ स्विच है, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं पीछे के साइड में ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पे एक प्रिंटर केबल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसबी के लिए ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें 5 वोल्ट और 1 एम्पियर ऑलरेडी सेट है। अगर आप चाहे तो चार्जिंग वगैरह लगाना है तो आप चार्जिंग भी इससे लगा सकते हैं, चार्जर अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ये चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन रखा गया है, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा मोबाइल सपोर्ट पे है तो यहाँ पे चार्जर लगाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चार्जिंग हो रही है मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं चार्जर निकाल लिया, मोबाइल स्लीप मोड में चला गया, वापस से चार्जर लगाते हैं, चार्जिंग मेरा मोबाइल हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चार्जिंग के लिए भी आपको काम में आएगा, अगर चार्जिंग लगा के चेक करना है तो ये 2-in-1 है, जैसे ऑलरेडी सब में दूसरे भी डीसी मशीन में भी हमने देखा था इससे पहले, इस वाली में चार्जिंग का ऑप्शन नहीं रखा गया जैसा आप देख सकते हैं, इसमें कहीं पर भी चार्जर लगाने के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर फीचे अगर बात करूँ तो इसमें फीचे भी कहीं पर भी इसमें रखा नहीं गया है। तो ये कोराड का डीसी मशीन, ये 5 एम्पियर और 30 वोल्ट का होता है। अगर इसमें बात करें वोल्टेज की, देख सकते हैं इसमें अगर बात करें तो ये हमको 30 वोल्ट तक इसमें रहेगा, और ये 5 एम्पियर के साथ है, बट इसमें हमको उतना नहीं चाहिए, 4 वोल्टेज हमारे काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास है एंड्रॉइड का पावर केबल, बूट केबल जिसे हम बोलते हैं, तो चलिए इसको मैं इसमें लगा लेता हूँ। और मेरे पास एक हैंडसेट है, और इसका मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर है, तो इसको लगा के ऑन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आउटपुट पे डालना होगा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा हैंडसेट ऑन होते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा हैंडसेट ऑन हो रहा है। तो अगर आपके पास बैटरी वगैरह नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो ये वाला केबल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड का मैकेनिक का भी आता है इसमें, बाबा टूल का आता है और सनशाइन का आता है, काफ़ी सारे इसके अंदर टूल आते हैं, तो काफ़ी सारे इसके अंदर ब्रांड्स आते हैं। ये मैकेनिक का भी अच्छा होता है, सनशाइन का भी अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी दूसरे ब्रांड्स को मैं रेफ़र नहीं करूँगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे, ये शॉर्टिंग वगैरह निकालने के लिए ये वाला SMD काफ़ी आपको हेल्प होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हैंडसेट मेरा ऑन हो चुका है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने बताने की कोशिश की है कि ये एक नया डीसी पावर सप्लाई, जिसे हम पावर सप्लाई भी बोलते हैं,
तो ये वाला मार्केट में आ चुका है जो कि 30 वोल्ट 10 एम्पियर का है, और इसमें जो वाट है फ्रेंड 200 वाट का ये है। अगर आप इसमें 20 वोल्ट से ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो ये 6 एम्पियर 7 एम्पियर के अंदर ही आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड में जो है हम ज़्यादातर 5 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट तक ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अभी जो लेटेस्ट मोबाइल जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें 7 और 8 वोल्ट तक भी आपको पावर की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो एम्पियर है अभी तक हम 5 एम्पियर से चला रहे थे, अभी आगे जा करके हमको 6-7-8 एम्पियर तक भी हमारे हैंडसेट में लग जाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट हैंडसेट्स आ रहे हैं उसमें आपको एम्पियर और जो वोल्टेज है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका हैंडसेट रीस्टार्ट करेगा। अगर आप पुरानी डीसी सप्लाई से अगर काम करना चाहेंगे तो हैंडसेट आपका रीस्टार्ट ही होता रहेगा। जैसे पहले 2 एम्पियर और 15 वोल्ट की डीसी मशीन आया करती थी, उसके बाद आपको 5 वोल्ट और उसके बाद 30 वोल्ट और 5 एम्पियर की आ गई, और अभी ये ओवन का है, हो सकता कोराड या फिर और मैकेनिक वगैरह भी इस तरह के नए नए पावर सप्लाई लेकर आए मार्केट में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा जरूर अपने भाई के साथ शेयर कर देना, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि दूसरे भाइयों तक इसकी नॉलेज पहुंचती रहे। और फोनफिक हैदराबाद की टीम को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और रिपेयरिंग और सोल्यूशन के वीडियोस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारे लिंक्स है, वीडियो से देखिए, बहुत ही बड़े अपडेट के साथ हाजिर होगी फोनफिक्स हैदराबाद की टीम। थैंक यू वेरी मच।